जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो सब दंग रह गए। भाजपा को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वहीं इस हार के बाद से यूपी की सियासत में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी ने ऐसा ब्राह्मण कार्ड चला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सबक बन सकता है। सिद्धार्थनगर स्थित इटावा से विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब पंडित हरिशंकर तिवारी से जुड़े एक मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आवाज उठाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे को गिरा दिए जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्तुपार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्ग श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की सम्मान स्थापना हो सके। अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के बहाने एक बार फिर से ब्राह्मण राजनीति को हवा दी है। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को मैसेज दे रही है। यह सपा की अब तक की राजनीति एकदम उलट है। M+Y के बाद नॉन यादव OBC दलित और अब ब्राह्मण, सपा की यह सोशल इंजीनियरिंग काफी दिलचस्प होती जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।